नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल। तो आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश कर्मचारियों को लेकर बड़ी अपडेट्स की, और इसी के साथ साथ आउटसोर्स पॉलिसी को लेकर आपको बताएंगे, और जिन कर्मचारियों की सर्विस पीरियड 10 साल से कम है उनको लेकर OPS में क्या नई अपडेट निकल के आई है, और GIT वालों के लिए खुशखबरी है, उनके जो रिजल्ट आने की तिथि है वो जल्दी नज़दीक आएगी, और शिक्षा विभाग में जो TGT PGT और JBT की विभिन्न श्रेणियों की वैकेंसी है उसके बारे में शिक्षा मंत्री का नया बयान निकल के आया है। तो जल्दी से अपना चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। जो आउटसोर्स पॉलिसी है इसको लेकर के काफी दर्शक अलग अलग कमेंट करते हैं कि साहब आउटसोर्स पॉलिसी कब बनेगी, और आउटसोर्स के कुछ एक जो लोग हैं वो लगातार मंत्रियों से मिल रहे हैं, सीएम से मिलने की भी कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इस मुद्दे को हिमाचल दस्तक टीवी ने पहले भी उठाया था, और ऐसे में आगामी समय में इस मुद्दे को उठाया जाएगा कि जो आउटसोर्स एम्प्लॉय लगाए गए हैं उनके लिए कुछ पॉलिसी जो है वो बनाई जाए। और एक खबर ये भी निकल कर आई थी 3-4 दिन पहले, हमने बताई थी आपको कि राज्य सरकार अब इस बात पर विचार कर रही है कि आगामी समय में जो आउटसोर्स भर्तियां हैं उसको बंद जाए और जो अभी वाले आउटसोर्स है इनके लिए कुछ नीति बना दी जाए, क्योंकि बाद में ऐसा होता है जब भी प्रदेश में आउटसोर्स भर्तियां होती है उसके बाद आगामी समय में कुछ समय बाद प्रोटेस्ट होते हैं प्रदेश के अंदर कि हमें जो है वो अब आप रेगुलर कीजिए। ऐसे में अगर इस पूरी समस्या का जड़ से समाधान करना है तो फिर प्रदेश में जिस प्रकार से लोक सेवा आयोग है और इसके अलावा कर्मचारी चयन आयोग है जो फिलहाल सस्पेंड चल रहा है, तो राज्य सरकार विचार कर रही है कि आगामी समय में जो भर्तियां हैं वो आउटसोर्स ना होकर के एक प्रॉपर पहले जो है वो कह सकते हैं आप विज्ञापन निकले, फिर भर्तियां प्रदेश के अंदर कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से या फिर लोक सेवा आयोग के माध्यम से हो ही हो पाए हैं। फिलहाल यहाँ पर आप देखें तो सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन गणना संबंधित जो शर्तें हैं उनको स्पष्ट किया है, और केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 वर्ष की सेवा जो है वो पूरी करनी होती है, लेकिन जो कर्मचारी इस सेवा अवधि की पूरी करने से पहले ही नौकरी से बाहर हो चुके हैं या वो छोड़ चुके हैं उनके लिए सरकार ने पेंशन गणना के लिए शर्तें यहाँ पर स्पष्ट कर दी है। केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2021 के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन देने की शर्तों को पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने जारी किया है, और विभाग की ओर से उसमें साफ किया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन राशि की गणना कैसे की जाएगी। और यहां पर आपको बता दें कि पेंशन की गणना कुल या औसत मेहनताना के 50% की दर से किया जाता है, और इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए प्रति माह हो सकती है, और जबकि अधिकतम जो पेंशन है वो 1,25,000 रुपए हो सकती है। और सरकारी कर्मचारी जो नियम 33, नियम 34, नियम 35, नियम 36 और नियम 37, नियम 38 या नियम 39 के तहत कम से कम 10 वर्ष की क्वालिफाइंग सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होता है तो वो पेंशन के लिए पात्र है। विभाग ने कहा है कि पात्रता सेवा की गणना के लिए 3 महीने और उससे अधिक 6 महीने की अवधि को भी पूरा माना जाता है, और पेंशन पाने की योग्यता सेवा रूप में यहां पर गिनी जाती है। यानी कि अगर किसी कर्मचारी को 10 साल पूरे नहीं हो पाते हैं और 3 महीने 6 महीने का गैप अगर उसमें पड़ता है तो ऐसे में वो कर्मचारी पूरी पेंशन का हकदार होता है। तो ये एक केंद्रीय गाइडलाइन में साफ किया गया है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, और यही फार्मूला जो है वो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों पर भी लागू हो सकता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए भी इस समय जो है वो मापदंड तैयार किए जा रहे हैं, और इसमें बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनका 10 साल का सेवाकाल पूरा नहीं हो रहा है और इसमें 5 महीने रही है। छत्तीसगढ़ की जो सरकार है भूपेश बघेल की सरकार, इसने जो नोटिफिकेशन है वो कर दी है फाइनल नोटिफिकेशन, और इस नोटिफिकेशन के अनुसार अगर इसको इंप्लीमेंट करती है प्रदेश सरकार, और इसमें ये खबरें निकल कर आ रही है कि बहुत जल्दी प्रदेश सरकार भी OPS की जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर सकती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, जो न्यू इंप्लॉयज आएंगे यानी जो प्रदेश के अंदर नई भर्तियां होगी उसके दायरे में जो नई भर्तियां हो गई वो सारे इंप्लॉयज OPS में आएंगे, यानी उनके लिए ऑप्शन नहीं होगा ओल्ड पेंशन स्कीम के अलावा, यानी वो NPS नहीं ले सकते। अब देखिए इसमें सबसे अधिक रोचक जो बात थी, जब छत्तीसगढ़ की जो नोटिफिकेशन निकली है, आपको बता दें ये जिस दिन निकली थी उस दिन हमने आपको पूरी खबर बता दी थी, इसको राज्य सरकार अभी पढ़ रही है। अब देखिए 1 नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 जो वहां का ऑर्डर है छत्तीसगढ़ का, इस बीच जितने भी एम्प्लॉयज आते हैं एनपीएस में या उनको NPS लेनी है तो वो ले सकते हैं, अगर OPS लेनी है तो फिर अगर आपने गलती से बीच में पैसा निकाल दिया है, चाहे जब आपका बच्चा बीमार था या कोई आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम था, फिर आपको वो पैसे वापसी देने पड़ेंगे। और
उसमें जो है वो रिकवरी बन सकती है, रिकवरी नहीं कहेंगे जो पैसा आप वापसी देंगे वो बाद में आपको 817 इसका जो 25 तारीख को हियरिंग थी, अब ये जो मसला है ये फरवरी तक चला गया है, 16 फरवरी को इसकी हियरिंग होनी है सुप्रीम कोर्ट में। और इसमें जो अपडेट है, जो एडवोकेट जनरल है अनुप्रतन, ये नए एडवोकेट जनरल है और ये खुद दिल्ली गए थे। सबसे अच्छी बात यह कि खुद दिल्ली गए और इन्होंने ये खुद बात कही, अपने जुबान से कही ये बात कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, प्रदेश का बहुत बड़ा मुद्दा ये रहा है चार पांच सालों में जो पिछली सरकार जयराम सरकार। उन्होंने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये बातें रखी है कि 1500 पोस्ट किसी तरीके से जो है वो जल्द से जल्द इसको भरने की अनुमति दें, क्योंकि राज्य सरकार चाहती है इन पोस्टों को भरना, लेकिन जो मामला लंबित पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में इसके चलते ये नहीं हो पा रही है। पोस्ट कोड 556 और 817 का मसला है। तो अब 16 फरवरी तक तो इसमें कुछ नहीं हो पाएगा, राज्य सरकार कुछ नहीं कर पाएंगी। 16 को इसमें हियरिंग होनी है, फिर से जो एप्लीकेशन दायर होनी थी जो पूरा होना था सरकार के तौर पर वो तो हो गया है। 2 मिनट ही समय मिला अपनी बात रखने का जो वहां पर गए थे एडवोकेट जनरल, इन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हमें आप थोड़ा इस मसले को जो है वो आप फाइनल जो जजमेंट होती है वो दे दें आप, क्योंकि उसके बाद राज्य सरकार इस पर जो है वो आगे। रोहित ठाकुर ने जो है वो ये बात खुद कही है कि 12,000 पद खाली चल रहे हैं शिक्षा विभाग में, इसमें पीटीज गए, जेबीटी है, कई भर्तियां इसमें होनी है, कला संकाय के टीचर्स भरे जाने हैं, डीपी के हैं, कई विभागों में अलग अलग जेबीटी की भर्तियां होनी है। कुल मिला के देखें, अभी रोहित ठाकुर से जो हमारी एक दिन पहले ही बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैंने मीटिंग बुलाई है और ये मीटिंग कुछ ही दिनों बाद होनी है और इस मीटिंग में रिव्यू बैठक होगी और मैं विभागों से जो डाटा है जो एलिमेंट्री हो या फिर हायर एजुकेशन डाटा मांग लिया गया है कि कितने पद कहां पर खाली चल रहे हैं, जो अभी शिमला जिला के अंदर ही 1200 से अधिक पद खाली चल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि यदि शिमला जिला के अंदर 1200 पद खाली चल रहे हैं, पूरे प्रदेश के अंदर 12,000 पद खाली चल रहे हैं शिक्षा विभाग में। उन्होंने कहा कि डाटा मांगा जा रहा है, उसके बाद पहले चरण में जो बहुत इंपॉर्टेंट भर्तियां हैं वो निकाली जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे करके जो है वो शिक्षा विभाग में जो सारे पद है जो रिक्त पद भरने हैं उनको लेकर के जो है वो एडवर्टाइजमेंट